हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एन इंडियन बॉय फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में गिव अवे का वीडियोस लाने के लिए, गिव अवे रिजल्ट का। बट अभी थोड़ा लेट हो गया, बट आप गेस करो किस फोन का गिव अवे के लिए मैंने आपको बोला हुआ था। और जब तक मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक दो मिनट, तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो कि मैंने कौन से फ़ोन के लिए गिव अवे के लिए आपको बोला था। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में आपको बताया हुआ था कि ये गिव अवे का रिजल्ट मैं फर्स्ट एवर अपने चैनल पे करने वाला हूँ, जबकि मैं फर्स्ट एवर करने वाला हूँ, ये वाला रिजल्ट मैंने किया नहीं है। क्योंकि इस वजह से बोला हुआ था कि मैंने तो हेडफोन का गिव अवे रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया है, उसमें ओप्पो का एक था और साथ ही साथ वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड था दो का। बट मैंने फोन्स का बनाया हुआ था वीडियो, दो तीन चार फोन होंगे जिसका गिव अवे के लिए बोला हुआ था, बट उसका मैंने रिजल्ट अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो मैं आज किसी एक फ़ोन का रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। तो हालांकि आप लोग में से बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बता भी रहे थे कि मैं आप लोगों को बोला हुआ था कि रिजल्ट अनाउंसमेंट करने के लिए और मैं किया नहीं, तो आप लोग मुझे बता भी रहे थे कि भाई रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दो जल्दी से। तो मैंने सोचा कि कर देता हूँ यार, थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा बिजी था, बट मैं अभी करने जा रहा हूँ। होपफुली आप लोग गेस कर ही लिए होंगे कि मैं किस फ़ोन की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये होने वाला है सबसे पहला फ़ोन का वीडियो जो मैं बना हुआ था। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, मेरा सबसे पहले फ़ोन का वीडियो था इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, जो कि 3 GB रैम 32 GB वाला वेरिएंट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से जो भी जीतेगा काफ़ी खुश होगा इस वाले रिजल्ट से, और फ़ोन लेकर काफ़ी इन्जॉयमेंट करेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा इधर उधर के लिए नहीं इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बहुत से लोग यही बोले हुए थे कि इस फ़ोन को स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था कि आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फ़ोन क्यों चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने यही बताया हुआ था। एक कमेंट था जैसे मेरे वीडियो में, यही कमेंट था कि आप लोग में जो स्टडी करने के लिए आप लोगों ने इसको बोला हुआ था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिजल्ट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं लैपटॉप पे जाऊँगा, रैंडम कमेंट पिकर से रैंडम कमेंट पिक करूँगा, उसमें मैं एक फ़िल्टर भी अप्लाई कर दूँगा कि जो डुप्लीकेट कमेंट्स रहेंगे वो फ़िल्टर मेरा, जो डुप्लीकेट कमेंट रहेंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे, बाकी जो नेचुरल कमेंट रहेंगे वही पिक किया जाएगा। तो मैं पिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो डुप्लीकेट कमेंट, जो कि मैं उसको डिलीट करूँगा, उसमें क्या डिलीट होता है। उसमें सबसे पहली बात कि जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं और उन्होंने वीडियो देखने के बाद नॉर्मली ऐसे कमेंट कर दिए हैं, तो उनको भाई वो उनका कमेंट डिलीट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उन्हीं को गिव अवे दूँ, क्योंकि भाई वो लोग बहुत लंबे टाइम से सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं उनको ही दूँ, ना कि भाई आप लोग आते हो वीडियोस देख लेते हो बट सब्सक्राइब बटन ही नहीं दबाते हो। आई डोंट नो आप लोग को क्यों नहीं दबाते हो, उसमें भाई आप लोग का एक भी पैसा नहीं जा रहा है, बट आप सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। बाकी आपको ना देखना और देखने की बात तो अलग है, वो तो वीडियो सामने उसका थंबनेल उसका वीडियोस देखने के बाद आपको पता चल आएगा कि भाई आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे। वैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग देखोगे। और मैं एक बात और बात करना चाहता हूँ रिजल्ट अनाउंसमेंट करने से पहले, जो कि ये है कि मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते तो हो, लेकिन जो मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू किया हूँ गिफ्ट फॉर आवर व्यूअर नाम से, जिसमें कि मैं अपने व्यूअर के लिए हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ, तो वो वाली वीडियोस आप लोग देखते हो। बट मैं अदर जो वीडियो डालता हूँ, जो कि मेरे चैनल की नीड से इंफॉर्मेशन प्लस एजुकेशन टाइप की, जिससे आपको मैं कुछ ना कुछ बता सकूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख सको क्या चल रहा है, पूरी डिटेल पूरी एनालिसिस करके, तो आप लोग उसमें उसको ज़्यादा नहीं देखते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको भी देखो, उस पर भी प्यार दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबको पता चल सके कि सब देख सकें, सबको उसके बारे में पता चले कि भाई क्या चल रहा है, क्या वीडियो, पूरी डिटेल हर एक टॉपिक के बारे में सबको पता होनी चाहिए, जो कि हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है आर्टिकल की भाई राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब सबको जानने की अधिकार है, सबको जानना चाहिए। तो मैं अब आप लोगों से ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, फटाक से चलते हैं मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको तुरंत ये गिव अवे का रिजल्ट देता हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने अपने लैपटॉप को ओपन करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस वाली वीडियो को ओपन किया हुआ है, जो कि मैं आपको बताया हुआ था कि मैं इसको जब गिव अवे रिजल्ट कब अनाउंसमेंट करूँगा। छोड़िए, बताने कोई मतलब नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टारगेट था और आप लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, बट फिर भी मैं गिव अवे कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और साथ ही साथ मैं यहाँ पे रैंडम कमेंट वाली पिकर की साइट्स को भी ओपन किया हुआ हूँ और देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिंक को कॉपी करूँगा, वहाँ से फ़िल्टर भी करूँगा, फिर उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसा कि दोस्तों आप चलते हैं वहाँ पे अपनी साइट पे जो कि लिंक वाली साइट है मेरी, और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैं URL को अभी कॉपी करूँगा और URL को मैंने सेलेक्ट किया और दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लिया। अब चलते हैं मैं रैंडम कमेंट पिकर वाली साइट्स पे और यहाँ पे मैं अभी ये जो आप बॉक्स देख रहे हो यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ये मैं पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके बाद जाऊँगा फ़िल्टर करूँगा, फ़िल्टर पे मैं क्लिक कर दिया और फिर अभी मैं गेट कमेंट करूँगा और देखूँगा कि टोटल कितने कमेंट हैं। तो यहाँ पर गेट कमेंट हो रहा है 499, 399, 399, 499, 476। इसमें टोटल 700 कुछ कमेंट थे बट डुप्लीकेट कमेंट होने की वजह से कुछ डिलीट हो गए और 476। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करूँगा और देखूँगा रैंडम कमेंट पिकर पे कौन आता है विनर। तो मैंने क्लिक कर दिया। ओह, ये झटका दे रही साइट्स भी ऊपर नीचे हो रही। ओह, यहाँ पे जावेद आलम जी बनते हैं विनर। इन्होंने कमेंट में लिखा हुआ था गुड, टोटल 476 कमेंट है। चलो जावेद आलम जी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन टू जावेद आलम जी, आप बनते हैं हमारे इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, जो कि मेरे इस चैनल पे पहला मोबाइल फ़ोन का वीडियो है, आप इसके विनर बनते हैं। तो दोस्तों कुछ खास टारगेट आप लोग अचीव नहीं कर पाए थे बट फिर भी मैं गिव अवे रिजल्ट दे रहा हूँ जो कि आप मेरी आप लोगों के लिए रहेगा ये गिव अवे रिजल्ट। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मेरे दूसरे वीडियो पे ज़्यादा प्यार दीजिए, मैं उसका भी गिव अवे रिजल्ट लाने वाला हूँ, बहुत जल्दी लाऊंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों जो विनर हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दूंगा अपनी, उसमें ईमेल पे सेम ईमेल आईडी से कमेंट करना मुझे मैसेज करना है ताकि मैं उनको पिक कर सकूँ। तो सेम ईमेल आईडी से याद रहे, अब मैं उनको गेट कर लूँगा। बस दोस्तों चलते हैं आगे फर्दर वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों ने तो वीडियोस देख ही लिया और आपको पता चली गया कि विनर कौन है। आप लोग मायूस ना होइए, मेरे और भी गिव अवे के वीडियोस पड़े हुए हैं जैसे वन प्लस नॉट, ओप्पो X17 प्रो, मेनी मोर आ भी सकते हैं आने वाले टाइम में, जल्दी ही आएंगे। तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करके अपने विनर बनने के पूरे चांसेस ले सकते हैं और होपफुली आप लोग विनर बनेंगे ही बनेंगे मेरे किसी न किसी गिव अवे वाले वीडियोज़ में। और बस आप लोग कमेंट में गालियाँ वालियाँ नहीं देना और सब उस विनर को कंग्रेचुलेट कीजिए। मैं भी एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जावेद आलम जी को, जिन्होंने ये विनर जी ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस का विनर हैं। तो बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो के साथ साथ जो गिफ्ट वाली वीडियोस होती हैं उसके भी साथ साथ आप लोग मेरे इन्फॉर्मेशन प्लस एजुकेशन वाला जो वीडियोस आती है उसको भी देखा करो। और क्या कहना है आप लोग से, एक बात और कहनी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के ला सकूँ। क्योंकि यार देखो, जब वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते हैं ना तो जेन्युइनली बता रहा हूँ कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 वीडियो मैंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी एनालिसिस करके ये बनाया हुआ था कि आप लोग उसको लाइक करोगे, लेकिन उस पर ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आए। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों नहीं आए। हालांकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। मैंने एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाला वीडियो बनाया था USA में, कि बहुत से लोगों को इसके बीच में कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है इलेक्शन का,
तो मैंने उम्मीद किया था कि ये वीडियो ज़्यादा चलेगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आप लोग खुद देखोगे, बट आप लोगों ने देखा ही नहीं। मुश्किल से मुझे लगता है कि 100 व्यूज गए होंगे अभी तक, और मुझे लग रहा है कि अपलोड किए आज लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं। तो आपके पास चांस है, अभी भी जाके देखो वहाँ पे कितना लेंदी और कैसा प्रोसीजर है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना और काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है, जो कि जो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। आई थिंक ये प्रोसीजर काफ़ी अच्छा है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर है इलेक्शन का। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक बार फिर से बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा जावेद जी को, जो हमारे इस गिव अवे के विनर हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे सारे वीडियोस को देखना, किसी को मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको पहुँचती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे तो आपको पता चले भाई हाँ वीडियो आ गई है। आप लोग को जब भी फ्री रहो मेरी वीडियो को देख सकते हो और अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेवल को यहाँ से यहाँ कर सकते हो। तो बस दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, शेयर करना मत भूलना यार, चलो बाय बाय, जय हिंद।